हेलो, आज हम आए हैं पिंपले निलक में और हम देखने जा रहे हैं 3 BHK सैंपल फ्लैट जिसका कारपेट एरिया है 1185 स्क्वायर फीट। सो ऐसे हम एंटर करते हैं फ्लैट के अंदर। ये आपका एंट्रेंस एरिया है जिसके बाजू में आपको बॉक्स रूम दिया है। यहाँ आप अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। आपको अगर एंट्रेंस में पूजा रूम चाहिए या कुछ स्पेस चाहिए स्टोरेज के लिए तो यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये है आपका लिविंग कम डाइनिंग जो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस और अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। ये एक एक्चुअल फ्लैट है बिल्डिंग के अंदर क्योंकि ये नियरिंग पोजिशन प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो भी आप फिटिंग्स देख रहे हैं ये वैसे का वैसा आपको मिलने वाला है। CP सैनिटरी फिटिंग्स, ग्लास डोर्स और विंडोज़ में, टाइल सिलेक्शन, कलर कॉम्बिनेशन सब ऐसा ही रहेगा। यहाँ पे विंडो है, फ्रेंच विंडो। यहाँ पे अटैच्ड टेरेस है, काफ़ी स्पेशियस है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में चाहे आप 2 या 3 BHK लें, हर एक टेरेस में आपको सिटआउट्स मिलता है। ये टेरेस दूसरे बेडरूम से ओपनेबल रहेगा, जो गेस्ट बेडरूम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। लिविंग डाइनिंग के ठीक अपोजिट में आपको मिलता है आपका किचन, जो एल शेप्ड ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिंक प्रोवाइड किया हुआ रहेगा, आप देख सकते हैं। ये है आपका ग्रेनाइट प्लेटफॉर्म। यहाँ आप अपना रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ मिलता है आपका ड्राई बालकनी जो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे एक आपको एक्सटेंडेड सिंक भी मिलता है, प्रोविज़न दिया है, प्लेटफॉर्म भी दिया है। आप चाहे तो सिंक लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इस 3 BHK के सारे बेडरूम्स। सबसे पहले चलते हैं गेस्ट बेडरूम के तरफ जो बहुत स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। यह है आपका गेस्ट बेडरूम। इसका डायमेंशन है 10x14, 10x14। सो जनरली इतना स्पेशियस गेस्ट बेडरूम आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा। और ये टेरेस है जो लिविंग डाइनिंग में ओपन होता है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था। इसके अपोजिट में मिलता है अटैच्ड वॉशरूम। सारे फिटिंग्स ऐसे ही रहने वाले हैं। अब हम चलते हैं इस फ्लैट के दाहिने हिस्से में, राइट साइड में, जहाँ पे तीनों बेडरूम प्रोवाइड किया हुआ है। यानी आप प्राइवेसी देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन्ड है। लिविंग डाइनिंग के लेफ्ट साइड में गेस्ट बेडरूम है और राइट साइड में बाकी तीनों बेडरूम है। ये है आपका चिल्ड्रन बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस, 11x14 लगभग। यहाँ पे वार्डरोब के लिए स्पेस दिया है और इसके बाजू में रहेगा फ्रेंच विंडो। इसके ठीक सामने कॉमन वॉश बेसिन,
वॉश बेसिन कॉमन वॉशरूम के बाहर है। यह है आपका कॉमन वॉशरूम। और इस तरफ है मास्टर बेडरूम, काफ़ी स्पेशियस आप देख सकते हैं। ये मास्टर बेडरूम है 13x14 का। यहाँ पे एक अलग से स्पेस दिया है सिट आउट के लिए, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 2.5 फीट का विड्थ है इसका। यहाँ पे फ्रेंच विंडो एक, और यहाँ पे दूसरा फ्रेंच विंडो। वेंटिलेशन अच्छे से मेंटेन किया है इस बेडरूम में। और ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। ये प्रोजेक्ट पिंपले नीलक में आता है, जो कि एक काफ़ी प्राइम और डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पे ग्रीनरी भी है, यहाँ पे मार्केट भी है, सब कुछ है। पीएमसी के अंडर है, पीसीएमसी के अंडर है। और सबसे ख़ास बात है कि ये प्रोजेक्ट नियरिंग पोजीशन है, लेकिन हमारे पास काफ़ी लिमिटेड इन्वेंट्री है, काफ़ी लिमिटेड फ्लैट्स अवेलेबल है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा ऑफिशियल नंबर इस वीडियो के नीचे मेंशन किया हुआ है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आगे की जानकारी के लिए, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।